और अभी मैं यहाँ से सीधा ठंडे ठंडे पानी में वापस से दूंगा और ये क्या बहुत ही ज्यादा मजा आ गया गर्मी में सुबह सुबह इस ठंडे ठंडे पानी में नहाने का मजा ही अलग है पर अब मैंने बहुत लिया है तो चलो यार फटाफट से घर पे चलते तो हेलो गाइस यार कैसे हो आप सभी लोग आप सबका स्वागत है एक और खतरनाक सी वीडियो में आज मैं सुबह सुबह आया था इस ठंडे ठंडे पानी में नहाने क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा गर्मी हो चुकी है और अभी मैंने नहा लिया है और अभी हम जाने वाले सीधा अपने घर पे देखते हैं आज क्या होने वाला है लॉस सेंटोस में एक सेकेंड ये गाड़ी किसकी है ये पिंक कलर की जी वैगन लेके आया है ये मेरे घर के बाहर क्यों है? मुझे लगता है पक्का तो बहुत गया। कैसे अरे कैसे हो के बच्चे ये गाड़ी किससे पूछ के लेके आया फिर से तूने मेरे पैसे खर्च कर दिए मैं तो नहीं जुड़ूंगा कौन सी गाड़ी है ये तो बहुत ही मस्त लग रही है पिंक कलर कलर में में ब्लैक लेते ना अरे मैंने थोड़ा लिए लिएने तो लिए एक सेकेंड अगर तुझे इस गाड़ी के बारे में नहीं पता और मुझे भी नहीं पता तो ये गाड़ी किसने ली है अरे वे, मुझे लगता है ना को दीदी ने मुझे गिफ्ट भेजा है पर आज तो मेरा बर्थडे में नहीं है तो मुझे गिफ्ट क्यों भेजा है अरे वो तो समझ नहीं आ रहा किसने भेजी ये गाड़ी आओ मेरे गर्लफ्रेंड के कार से दूर हो जाओ क्या गर्लफ्रेंड की कार ये 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 आओ माना मेरे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर रहे हैं हाँ, मेरे ने मुझे ये गाड़ी गिफ्ट करी है ये तो बहुत ही अच्छी है क्या चौब ने ये गाड़ी गिफ्ट करी है और एक सेकंड अबे चौप ये तो एक इंसान है और तू कुत्ता ये तेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है आओ प्यार में क्या कुत्ता क्या बिल्ली क्या मकड़ी सब एक होता है अरे बे क्या वेक चल रहा है अरे मुझे नहीं पता तूने जीवे खरीदी कैसे आओ एक महीना पहले मैंने एक लॉटरी खरीदी थी और कल रात को मुझे पता चला कि वो लॉटरी मेरी खुल चुकी है इसलिए मुझे 100 मिलियन डॉलर्स मिले इसलिए मैंने गर्लफ्रेंड बनाई और उसके लिए नई नई गाड़ी दे दी क्या तू वन हंड्रेड मिलियन डॉलर जीत गया चंद अब तुम तो कुछ भी कर सकते हैं अब तुम तो फुल मजे कर पाएंगे आओ एक सेकंड तुम कैसा मजा करोगे पैसा तो मुझे मिलाना अबे तो तो मेरा कुत्ता है ना हम सब साथ में पैसा उड़ाएंगे आओ चुपचाप बैठ जाओ मैं तुम्हें एक रुपया मैंने देने वाला निकल जाओ यहाँ से अरे चौक क्या बोल रहे आओ मैं तुम्हें चार साल से बोल रहा हूँ मुझे एक बार डॉग फूड खिला दो पर तुम खिलाता नहीं हो मैं तुम्हें एक रुपया नहीं दूंगा चप मुझे तो देखोगे ना नरी चप मुझे तो दोगे ना मैं तो तुम्हारे दोस्त आओ संचा तुम्हें आता ही है क्या कल रात को तुम मेरे ऊपर अपनी गंदी चड्डी बैठ कर चले गए थे मैं तुम्हें भी एक रुपया आना दूंगा अरे चौक पैसा मत कर आओ मेरा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ से निकल जाओ ये मेरा घर है तेरा घर अबे ये मेरा घर है तू यहाँ से निकल पैसा आ तो क्या कुछ भी करेगा निकल यहाँ मैं बताता हूँ सिक्योरिटी बोलिए सर कुछ दिक्कत है क्या आहो सिक्योरिटी इस कान लड़के को यहाँ मैं, मैं अपनी बाइक लेके यहाँ से जा रहा हूँ ये आर पी जी लेके कौन सी सिक्योरिटी आ चुकी है यहाँ पर अरे चौब प्लीज मुझे अपने साथ लो सिक्योरिटी इस पाँच साल के लड़के को बुरा दो भागो में जल्दी भगाओ जल्दी भगाओ हाँ हाँ चलते चलते तो अभी आप देख सकते हो ये चौब तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका है और अमीर होते ही इस देश और मुझे दोनों को घर से निकाल दिया ये क्या हो गया सिंह अरे वकील है हम क्या करेंगे बचा। हाँ सिंह हमारे पास घर नहीं बचा उससे भी बुरा ये हुआ कि चौक 100 मिलियन डॉलर्स जीता था और हमें एक रुपया भी नहीं मिला इतने टाइम से चौक को मैंने पाला और उसने मेरे साथ ये किया ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है फेकी में, वे, वे, मुझे नाना को दीदी ने खतरनाक ऐसी चैलेंज के बारे में बताया था उसमे बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं क्या कौन सा चैलेंजी वे, इधर मुड़ो फिर उधर मुड़ो फिर इधर मैं आपको लेके चलता हूँ खतरनाक ऐसी चैलेंज आरोप उसमें बहुत सारे पैसे जीत जाएंगे

उज डॉलर तो मेरे बैंक में वन थाउजेंड हो जाएंगे तो आप जितने चाहे कितने भी कर सकते हो जिसके मन में जितना हो वो सब का सब कर सकते हैं और है, है कर तो सकते हैं पर कोई करता नहीं है कोई भी हमें वन मिलियन डॉलर नहीं देना चाहता तो है जितने पैसे आप कमेंट कर सकते हो फटाफट से कर दो तो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपन चलते फटाफट से खतरनाक सा चैलेंज करने तुम लोगों का स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में मैं मतलब आयरन मैन लेके आ चुका है ये खतरनाक सा चैलेंज जिसमें तुम जीत सकते हो एक बड़ा सा मेंशन और 500 मिलियन डॉलर्स कैश पर मैं तुम्हें उस मेंशन को अभी दिखाऊंगा नहीं जो जीतेगा सिर्फ वही देख सकता है खतरनाक मेंशन को तो चलो देखते दे हमारे कंटेस्टेंट सबसे पहले ननेको दीदी ननेको दीदी ननेको हे दी दी। बच्चे अपना नाम बताओ शिजनुहारा और हमारे साथ है ये ये बंदर का मामा और ये काले बंदर का मामा ए, मैं पहके लू ओके ओके तो चारों कंटेस्टेंट तैयार हो जाओ इस खतरनाक से चैलेंज को करने के लिए तुमको इस चैलेंज में बाइक्स को लेकर जाना है सारे मोटरसाइकल को क्रॉस करते करते जाना है और याद रखना अगर तुम नीचे गिरे तो तुम्हें मेंशन क्या मेंशन के अंदर की मिट्टी भी नहीं मिलेगी तो तुम्हें का पूरा चैलेंज कम्प्लीट करना पड़ेगा अगर तुम जीतना चाहते हो वो खतरनाक मेंशन तो जल्दी से पहुंचो फिनिशिंग लाइन पर अच्छा तुम तो हमें मेंशन तो नहीं दिखा सकते पर उस मेंशन का प्राइस कितना होगा जो लास्ट मैंने पता किया था उस मेंशन का प्राइस है चार हजार करोड़ रूपए क्यों चार हजार करोड़ है हाँ, क्या तुम तैयार हो चैलेंज को कम्प्लीट करने के लिए हाँ, हाँ, मैं कोई भी बिल्कुल तैयार है मैं भी तैयार हूँ मैं भी तैयार हूँ तो सबसे पहले जाएगा पांच साल का, का okay, okay, सबसे पहले मैं you, को अभी तो मुझे आप देख सकते हो ये चैलेंज यहाँ पर शुरू हो चुका है और सबसे पहले जाने वाला है सिंह नोहारा अरे मैं तो ये चैलेंज जीतने वाला हूँ देख लेना इस पूरे चैलेंज को फिनिश करके वो खतरनाक में मैं को दीदी रहेंगे सिंचेन मुझे बोल गया अच्छा ठीक है साथ में हमें चौप से बदला लेना है तो हमें ये चैलेंज जीतना पड़ेगा ताकि एक ले पाए और बाकी जितने पैसे बचेंगे, वो चौप को दिखाएंगे कि हमारे पास कितना ज्यादा पैसा है पर उसके लिए सिंह या फिर मेरे में से किसी को चैलेंज जीतना पड़ेगा अगर तुम चैलेंज जीत गए तो मैं तुम ऐसी शादी करूँगी दीदी मुझसे शादी मुझसे शादी करो मैं तो मर गया अबे शिंचन शादी के सपने के चक्कर में तू तो सीधा डिस्कालीफाई हो चुका है शिंचन शिंचन होता है डिस्कालीफाई अब बारी नन्हे को की मेरी बारी आ चुकी है मैं शिंचन का बदला लूंगी शिंचन नीचे गिरा था पर मैं नीचे नहीं गिरने वाली मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करके दिखाऊंगी देख लेना ये नन्हे का हुआ था हट जाओ अच्छा। मैं शिंचन के लिए इस चैलेंज तो कहे अभी आप देख सकते हो नना को दीदी निकल चुकी है इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए उनको ये चैलेंज जीतना है शिन चैन के लिए ये दोनों तो पागल हो चुके हैं पर नना को दीदी ने बोला था अगर शिन चैन चैलेंज कंप्लीट करेगा तभी उससे शादी करेगी मतलब शिन चैन की शादी तो यहाँ पर कैंसिल हो चुकी है नहीं,

शिनचर्क मैं ये चैलेंज जीत करूंगी या तो गाइज ये नने को तो सही में बहुत ही सादा अच्छी तरह कर रही है अगर ऐसा चलता रहा तो ये चैलेंज फिनिश कर देगी और इसको वो खतरनाक चार हजार करोड़ का मेंशन और 500 मिलियन डॉलर्स कैश मिल जाएंगे मैं ये चैलेंज जीत करूंगी अरे ये क्या हो गया सामने फिनिशिंग लाइन थी मैं तो नीचे गिर को भी होती है अब बारी ओ, ओ, हा, हा, मेरी बारी आ चुकी है मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं ये चैलेंज मैं लॉस सेंटोस में पिछले 500 साल से रह रहा हूँ और मुझे सारी तरह की गाड़िया चलाना आती है बाइक साइकिल ट्रक मैं सारी गाड़ियों में इस चैलेंज को फिनिश कर सकता हूँ तो ये सही में बहुत ही खतरनाक बंदर है ये 500 साल से इस पृथ्वी पर रह रहा है तो इसको तो तो इसको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है मुझसे भी ज्यादा पर आपको तो हम एक खतरनाक से प्रो राइडर है हम इसको भी हरा देंगे तो उसके लिए आप सबको कमेंट करना पड़ेगा बैड लक टू बंदर और गुड लक टू फ्रेंकली तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो वरना ये चैलेंज फिनिश कर देगा बच्चे तुम देखते रहो मैं ये चैलेंज कैसे कंप्लीट करता हूँ मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करके वो घर जीत के उसमें एक स्टोरेज रूम बनाऊंगा एक सीक्रेट स्टोरेज रूम जहाँ पर होंगे बहुत सारे केले और मैं वहां पर बैठ के केले खाऊंगा हो हो हु हा हा। सारे के सारे केले खा जाऊंगा तो गए सर ये चिपांसी का बच्चा तो बहुत ही ज्यादा आगे आ चुका है और इसने यहाँ पर कार भी अपने आप को चेंज कर लिए अगर ऐसा चलता रहा तो ये तो ये पूरा का पूरा चैलेंज ये जाएगा

बच्चा तो इसको भी पार करके निकल चुका है सामने फिनिशिंग लाइन आ चुकी है अरे यार ये तो पूरा चैलेंज जीत जाएगा <laughs> मैं ये चैलेंज जीतने वाला हूँ और वो खतरनाक सा मेंशन भी मजा आने वाला है अरे वो देखो पीछे कितने के सारे केले 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 पड़े क्या केले? 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 आ रहा हूँ मैं हाँ वो लूप बनाया बड़ा मजा आया ये क्या किया तुमने फ्रैंकलिन और ये क्या वो बंदर तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था पर वो आखिर में चाके गिर गया फ्रैंकलिन अब तुम्हारी बारी कई तो सर फाइनली मेरी बारी आ चुकी है मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करना है बिना गिरे शिनचैन गिर गिर गया गई और वो बंदर को मैंने चालाकी से गिरा दिया पर सर, अभी मेरी बारी आ चुकी है और मुझे कैसे भी करके ये चैलेंज जीतना पड़ेगा क्योंकि कई सर हमारे पास कोई घर नहीं है रहने के लिए जो आपने हमारा घर हड़प लिया है तो हमें एक घर चाहिए रहने के लिए तो उसके लिए मुझे कैसे भी करके मैं जीतना पड़ेगा और वो सारा का सारा पैसा भी मुझे ही मिलने वाला है क्योंकि आप सभी

भी आप देख सकते हो हम लोग अपने खुद के प्राइवेट आइलैंड पर आ चुके हैं वैसे तो ये एक मेंशन है पर पानी के ऊपर बना हुआ है तो ये आइलैंड जैसा लग रहा है तो गाइस जरा आप आप देख सकते हो 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 और और मेरी एंट्री हो चुकी है हमारे नए नए मेंशन पर और आप पर देखते तो डिस्को लाइटें चल रही है रात को पार्टी करने में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस घर में और भी बहुत सारी चीजें पर पहले बाहर देखते क्या क्या यहाँ पर ये बड़ा सा स्विमिंग पूल ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है

खतरनाक है हमारे पास यहाँ पर खुद का प्राइवेट जिम भी है और गेम खेलने के लिए भी बहुत सारी चीजें तो तो यहाँ पर, पर, पैसा पैसा, पर एक खतरनाक बेडरूम है यहाँ पर भी बहुत सारा पैसा पड़ा है पूरे घर में पैसा ही पैसा क्योंकि ये घर चार हजार करोड़ रुपए का है तो ऐसा तो हो रही था और अभी तो ऊपर जाना भी बाकी है देखते मैं ऊपर क्या मिलने वाला है और यहाँ पर सीढ़िया लेके आ सकते हैं यहां से देख सकते हो, हमारे पास है, पूरे बीच और का आता है। और देखते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा पार्टी पूल टेबल एक और यहाँ पर एक और खतरनाक सा बेडरूम ये वाला बेडरूम सोचो मैं सुबह सुबह सो के उठा और सामने एकदम सामने एकदम बढ़िया बीच का व्यू कितना ज्यादा खतरनाक है ये तो कई